नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों ये वैकेंसी निकली हुई है मल्टीटास्किंग यानी नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार की। दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसकी अंतिम तिथि दी गई है 19 फरवरी 2023 तक। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी दूंगा, किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कितने पद हैं और हमारे भूतपूर्व सैनिकों को इसमें क्या लाभ मिल रहा है, फीमेल और मेल जो कैंडिडेट हैं उन्हें क्या क्या लाभ मिल रहे हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो अपने तक सीमित ना रखें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस प्रकार की भर्ती का लाभ उठा सकें। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भी वैकेंसी आती है वो नोटिफिकेशन के आधार पर ही आती है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, पे लेवल 1 रहेगा, यहाँ पर ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके लिए टोटल जो वैकेंसी है वो अप्रॉक्स 10,880 वैकेंसी हैं और हवलदार इन CBIC के अंतर्गत 529 वैकेंसी हैं। इसके अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो रिजर्वेशन दिया गया है वो इस प्रकार से है, SC ST के लिए, OBC के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, एक्सेप्शन के लिए, PW कैंडिडेट के लिए, सभी के लिए अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया है। साथ ही इसमें आप देख सकते हैं कुछ बेंचमार्क दिया गया है कि आप अगर कोई कैटेगरी डिसेबिलिटी हैं तो उसमें कहां तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि HH OA ये सारी मेडिकल कैटेगरी हैं, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी बंदे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसका मतलब होता है जैसे B जहां पर दिया है तो ब्लाइंडनेस, LB दिया है तो लो डिविजन, D दिया तो डीफ, HH दिया है तो हार्ड हियरिंग यानी सुनने में असमर्थ है, OA दिया है तो वन आर्म इफेक्टेड यानी एक हाथ में कोई प्रॉब्लम है, या फिर OL वन लेग में इफेक्टेड है, BA बोथ आर्म इफेक्टेड है, BL बोथ लेग में इफेक्टेड है, OAL यानी वन आर्म और वन लेग में इफेक्टेड है। इस प्रकार से जो मेडिकल कैटेगरी दी गई हैं तो वो बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्लियर मेंशन किया गया है जैसे B, LV, DHH ये जो कैटेगरी हैं ये सभी भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत भारत का नागरिक होना चाहिए और आपकी उम्र सीमा 1/1/2023 से काउंट की जाएगी। आपकी उम्र 18 साल से 25 साल के मध्य होनी चाहिए यानी आपका जन्म 2/1/1998 और 1/1/2005 के मध्य ही होना चाहिए। दोस्तों इसके अंतर्गत जो छूट दी जाती है वो इस प्रकार से दी जा रही है, जो SC ST कैंडिडेट हैं उन्हें 5 साल, OBC को 3 साल, PWD के 10 साल, PWD OBC के 13 साल, PWD ST ST के लिए 15 साल और हमारे भूतपूर्व सैनिकों को 3 साल छूट दी जाती है जो कि जितनी उन्होंने सर्विस की है वो घटाने के बाद। साथ ही डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी हैं उन्हें 3 साल, डिफेंस पर्सनल SC ST हैं उन्हें 8 साल, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उन्हें 40 साल की एज तक और सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन हैं उन्हें 45 साल तक, और विडो डिवोर्स वुमेन जुडिशली उन्हें अप टू 35 साल तक छूट दी जाती है, और अगर उसमें भी SC ST हैं तो 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सर्समैन जिन्होंने ऑलरेडी कहीं सिविल साइड में गवर्नमेंट की किसी ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट पर हैं और रेगुलर बेसिस पर काम कर रहे हैं तो उन्हें जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है, एक्सर्समैन बेनिफिट है, जो रीएम्प्लॉयमेंट है वो इनिशियल फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर और जो फीस कंसर्न होती है वो नहीं माना जाता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं।
एक्सटेंशन कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो फीस है वो आपकी माफ़ नहीं होगी। दोस्तों इसके अंतर्गत आप अप्लाई कर जॉब पा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके अंदर प्रोसेस जो है इस प्रकार से है कि आपको सबसे पहले अपना फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद ही आप इस पर आगे आप कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके जो नोटिफिकेशन देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, इसमें हर चीज़ क्लियर दी गई है। और SSC हमारे देश के अंतर्गत अनेक पदों पर भर्ती करती है। क्वालिफिकेशन जो दी गई है इसके लिए मैट्रिक पास ही दी गई है। आप 12th या ग्रेजुएट हैं तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत जो वैकेंसी है इसमें अनेक पदों पर भर्ती होती है और इसे MTS कहा जाता है, मल्टीटास्किंग, यानी अनेक प्रकार के जो काम होते हैं वो दिए जाते हैं आपको, हर काम आपको करना होगा। इसमें जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपये दी गई है। और वुमेन, SC ST, भूतपूर्व सैनिक, डिसेबिलिटीज़ के लिए इसमें पेमेंट फीस निल है, एग्जम्प्ट किया गया है। फीस कैन बी पेड ऑनलाइन करनी होगी आपको, भीम UPI नेट बैंकिंग किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही 19 फरवरी 2023 तक अंतिम तिथि है। विंडो विल बी एप्लीकेशन जो खुलेगी आपकी 23/2/2023 से, विंडो एप्लीकेशन फॉर्म जो करेक्शन की खुलेगी वो 23 से 24 तक खुलेगी। अगर आपको करेक्शन करना है तो आप इन 2 दिन के अंदर करेक्शन कर सकते हैं। साथ ही फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके पास कॉल आएगा, फिर आपको अपना एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम जो सेंटर दिए गए हैं संपूर्ण भारत में अलग अलग जोन के हिसाब से दिए गए हैं, जैसे सेंट्रल और CR, सेंट्रल रीजन, बिहार उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न रीजनल, कर्नाटक रीजन, तो अलग अलग सेंटर दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इसमें जो सिलेबस दिया गया है उस प्रकार से होगा। सेंशन 1 के अंतर्गत न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। इसके अंदर जो फिजिकल टेस्ट मांगा गया है वो इस प्रकार से है, वॉकिंग होगी 1600 मीटर की 15 मिनट के अंदर, मेल के लिए है, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 जो होगी वो 20 मिनट के अंदर होगी। टाइम बहुत ज़्यादा दिया, वॉकिंग तो आप आराम से कर सकते हैं। आपकी हाइट 157 मेल के लिए है और चेस्ट 81 सेंटीमीटर रहेगा, और फीमेल के लिए हाइट जो मांगी गई है 152 सेंटीमीटर दी गई है और 2.5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ गड़बड़ है उसमें एक्सक्यूज होगी, और 48 kg वेट होना चाहिए। जिनकी कैटेगरी डिसेबिलिटीज है जैसे HH है उनके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है, OA है उन्हें कोई एग्जम्पशन नहीं है, OL है उन्हें एग्जम्प्ट हो सकती है वॉकिंग से, और अलग अलग कैटेगरी में अलग डिटेल दी गई है, उसी हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, किसी भी तरह से अपने डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सिलेक्शन में क्लियर हो जाती हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट क्लियर होने के बाद ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों ये थी SSC की वैकेंसी, ऐसी ही वैकेंसी की जानकारी यहाँ पर दी जाती है। दोस्तों आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको हर प्रकार की जानकारी दी जा सके। ये पूरा नोटिफिकेशन के माध्यम से जो जानकारी आपको दी जा रही है इसमें आप अपना फॉर्म सबमिट करें और इस वैकेंसी का लाभ उठाएं।
थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।